सो दोस्तों, ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है मैटिक कॉइन होल्डर्स के लिए, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियोस में कई बार आपको बताया मैटिक कॉइन के बारे में, तो ये बताना मेरा फर्ज है। वहीं पे बात करें दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आपको मैटिक कॉइन का प्राइस प्रेडिक्शन भी अच्छे तरीके से एनालिसिस करके यहाँ पे बताने वाला हूँ। जो लोग भी एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हैं वो ये वीडियो को जरूर से देखिएगा, जो लोग सेल आउट करने के बारे में सोच रहे हैं वो भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके साथ साथ मैं आपको एक कॉइन बताने वाला हूं जो कि कुछ ही दिनों के अंदर दोस्तों मैटिक के तरह ही आपको रैली दिखाता हुआ दिखेगा। तो चलिए दोस्तों, कौन सा वो कॉइन हम लोग जानेंगे, साथ ही साथ मैटिक का प्राइस प्रेडिक्शन देख लेते हैं। आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो मेक श्योर करिएगा टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बिकॉज जो भी अपडेट्स आते हैं, जो भी तरीके का प्रीमियम सिग्नल हुआ वो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान दोगे कि हमने अपने जितने भी रिसेंट वीडियो बनाया, ठीक है, जितना भी वीडियो बना के आप लोगों को दिया हूं, वहां पे आप लोग देख सकते हो कि हमने मैटिक को लेके बहुत ही ज्यादा सीरियसली बात किया है। क्योंकि दोस्तों मैं जानता हूं इस कॉइन में ऐसा पोटेंशियल है, ऐसा क्षमता है कि ये कॉइन आपको 400 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए तक भी जाता हुआ दिख सकता है। मैं एज अ गारंटेड अभी भी बोल रहा हूं, लेकिन आपको वेट करना होगा अभी कुछ ही दिन पहले, ठीक है। यहां से अगर हम बात करें, 2-3 दिन पहले लोग यहां पे परेशान थे कि भैया मैटिक का क्या होगा, 80 रुपए चल गया है, 85 चल गया है, 90 चल गया है, 95 चल गया, अब हम क्या करें, सेल आउट कर दें, हमारा प्राइस इतना पे है, 100 पे बाय किए, 120 पे बाय किए, ये वो बहुत सारे मैसेजेस मुझे आ रहे थे। लेकिन दोस्तों हमने आपको सिर्फ और सिर्फ यही बोला कि कुछ समय के लिए होल्ड करो, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट जो है दोस्तों वो लॉन्ग टर्म के लिए है। मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूं, आप लोग ये मत सोचना कि आज आप लोग पैसा लगाए और आपका पैसा यहां से 2 गुना 3 गुना 4 घंटे के अंदर हो जाएगा, 4 दिन के अंदर हो जाएगा, 2 दिन के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो कि हमने अभी जो रिसेंट वीडियो बनाया आपको कि इस कॉइन में मैंने 70,000 रुपए लगाया, इस वीडियो में मैंने आपको मैटिक के बारे में अच्छे तरीके से डिटेल दिया था। उसके साथ साथ यहां पर देखो जो भी न्यूज आ रहे थे वो मैंने आपको कवर किया, यहां पर भी मैंने आपको बोला कि आप होल्ड रखो। बहुत सारे मैसेज आए कि सर जी होल्ड करें, कितना दिन तक करें, आखिरकार कब बढ़ेगा ये वो। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों कि बिटकॉइन अभी रिसेंटली $60,000 के मार्क को टच कर दिया और हम लोगों को जो है बहुत जल्द यहां पे अपना ऑल टाइम हाई बनता हुआ दिख सकता है बिटकॉइन के अंदर। यहां पे देखो दोस्तों बहुत सारे अपडेट्स मैंने मैटिक कॉइन से रिलेटेड दिया, मतलब कि अगर हम बात करें ऑल ओवर, यहां पे कहने वाली बात यह है कि जो भी मैटिक होल्डर्स हैं, जो भी मैटिक कॉइन को लेके रखे हैं और वो यहां पे परेशान है कि क्या करें हम, हमारा क्या होगा, यहां पे मैटिक का प्राइस ये है वो है, तो मैं आपको क्लियर बता देना चाहूंगा दोस्तों कि मैटिक कॉइन जो है वो एक बहुत अच्छा कॉइन है, आने वाले समय में एक बेहतरीन फ्यूचर है, एक स्ट्रांग फंडामेंटल प्रोजेक्ट है। यहां पे दोस्तों आपको जो है वो होल्ड रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग चाहोगे कि मैटिक कॉइन से हमें 2 दिन में प्रॉफिट हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है। जितने लोगों ने भी बाय किया सिंपल सा होल्ड करके रखिए। अब चलिए यहां पे चलते हैं हम लोग इसका ग्राफ देख लेते हैं। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि हम लोग आ चुके हैं मैटिक कॉइन के ग्राफ के ऊपर और यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि रिसेंटली जो है यहां पर मैटिक कॉइन अभी लगातार 2 ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था और इसी के बीच में दोस्तों यहां पे चलने की कोशिश कर रहा था, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद देखो यहां पे सडनली बिटकॉइन ने यहां पे $60,000 का मार्क को टच किया। उसके बाद देखो मैटिक कॉइन में जो है वो आपको ये ट्रेंड लाइन अप ट्रेंड वाला, ठीक है, ये वाला ट्रेंड लाइन ब्रेक होता हुआ आपको दिखा एंड देन दिखने के साथ आप लोग देख सकते हो कि जितना भी इसका रेजिस्टेंस था सभी को ये तोड़ता हुआ निकल गया और अभी जो इसे मेजर रेजिस्टेंस मिला हुआ है ये व्हाइट वाला रेजिस्टेंस मिला हुआ। अब देखो जो लोग सोच रहे होंगे कि क्या हम लोग अभी एंट्री ले लें, अभी हमें प्रॉफिट हो जाएगा, तो मैं आपको सीधा बोलना चाहूंगा कि अभी आपको एंट्री नहीं लेना है। अगर आप लोग शॉर्ट टर्म वाले हो, 1-1.5 महीने के लिए या फिर 10 दिनों में आप टेंशन में आ जाते हो, 15 दिनों में टेंशन में आ जाते हो, लेकिन जो लोग यहां पे लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं, जो लोग सोचते हैं कि मैं इस कॉइन को लॉन्ग टर्म के लिए लूंगा, 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, तो मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं इस कॉइन को इस प्राइस पॉइंट पर आपको जरूर से बाय कर लेना चाहिए, ठीक है, एज ए लॉन्ग टर्म के लिए। यहां पर देख सकते हो दोस्तों कि अभी जो करेंटली मैटिक कॉइन का सपोर्ट हो चुका, ये वाला येलो वाला दिख रहा होगा आपको दोस्तों कि $1.448 के आसपास में एक मेजर सपोर्ट यहां पर हो चुका है। अगर इसे यहां पर ब्रेक करता है तो आपको दोबारा से दोस्तों ये वाले रेड के पास आपको दिखेगा जिसका प्राइस है 1.373 के अराउंड में। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि ये रेड वाले के पास आने का पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है। यहां पे दोस्तों अगर हम बात करें तो आपको येलो तक ये कॉइन आएगा, उसके बाद यहां से आने के बाद दोबारा से एक बाउंस बैक मारने वाला है, ठीक है। अब यहां से न्यूज खराब आ जाएगी, बिटकॉइन का न्यूज खराब आ जाएगा, चाइना की तरफ से कुछ आ जाएगा या फिर कोई बड़े सेलिब्रिटी यहां पर कुछ बोल देंगे बैड न्यूज, तब जाके आपको बिटकॉइन का भी प्राइस गिरेगा, उसके साथ साथ मैटिक और जितने भी ऑल्ट कॉइन है वो भी यहां पर गिरेंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू मार्केट सेंटीमेंट अभी आप लोग देख ही रहे हो दोस्तों कि दुबई में जो क्रिप्टो एक्सपो का यहां पर जो इवेंट हो रहा है उसके कारण एक अच्छा खासा मार्केट में पॉजिटिविटी फैला हुआ है, तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो क्रिप्टो को लेके यहां पे सीरियस हो रहे हैं। इसके कारण आपको जो है वो बिटकॉइन एक अच्छा खासा मूवमेंट के ऊपर दिख रहा है, उसके साथ साथ आपको मैटिक कॉइन या फिर और अदर ऑल्ट कॉइन के बारे में बात करें तो वो भी एक अच्छे खासे मूव के ऊपर दिख रहा है। तो हमारे लिए तो यहां से प्रॉफिट है जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए हैं और जो अर्ली यहां पर इन्वेस्ट कर चुके हैं, जैसे कि मैंने भी इन्वेस्ट किया है, आप लोगों ने इन्वेस्ट किया है, तो यहां पर आप लोग देख सकते
जो लोग भी ऑलरेडी बाय करके रखे हैं वो यहाँ पे सिंपल सा होल्डिंग को बना के रखो। जो लोग शॉर्ट टर्म वाले हैं सेल आउट करके निकल सकते हैं अगर उसने प्रॉफिट हो चुका है। सपोज उसने 90 रुपीज के ऊपर खरीदा होगा और अभी जो है वो प्राइस लगभग 115 रुपए 118 रुपए के आसपास में चल रहा है, तो आप लोग चाहो तो सेल आउट करके निकल सकते हो। अब यहाँ पे देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो RSI इंडिकेटर है वो यहाँ पे सीधा सीधी इंडिकेट ये कर रहा है कि भैया जी अब जो है यहाँ से सेल आउट का प्रेशर बढ़ने वाला है, यानी कि सेलिंग का प्रेशर जो है यहाँ से बढ़ेगा और मैटिक क्वाइन जो है वो थोड़ा सा आपको करेक्शन लेता हुआ दिख सकता है। क्योंकि आप लोग देख सकते हो दोस्तों कि ये जो है आपको 70 से ऊपर जा चुका है, यहाँ पे देखो 80 के ऊपर ये है, तो 80 के ऊपर जब ये गया हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा करेक्शन लेने के बारे में सोचेगा। RSI इंडिकेटर तो हमारा यही बता रहा है फिलहाल। दोस्तों मैटिक के बारे में तो आपने अच्छे तरीके से ग्राफ को देख लिया कि किस तरीके से ये परफॉर्म कर रहा है। 4 आवर्स का चार्ट पैटर्न मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, चाहो तो स्क्रीन शॉट भी करके रख लो कि कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना और कहाँ पे जो है वो आपको एंट्री लेने के बारे में सोचना है। एंट्री के बारे में बात करें तो जो लोग एंट्री लेना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए मिड टर्म के लिए, वो ये वाला जो येलो वाला दिख रहा है आपको सपोर्ट, इसके पास आपको बाइंग करने के बारे में सोचना है, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना। अब हम लोग दोस्तों इस कॉइन के बारे में बात करेंगे जो मैटिक के तरह से ही यहाँ पे हम लोगों को एक बुल रन दिखा सकता है, यानी कि दोस्तों एक अच्छा खासा स्पाइक दिखा सकता है। तो ये कॉइन का नाम है वजीरेक्स और वजीरेक्स टोकन जो है वो आपको वजीरेक्स के ऊपर मिल जाएगा, वजीरेक्स एक्सचेंज के ऊपर। तो आपने अकाउंट नहीं बनाया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वजीरेक्स के अकाउंट जाके बना सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि इस कॉइन का प्राइस पॉइंट जो है वो भी 91 रुपए चल रहा है और वहीं पे बात करें तो 2% से डाउन भी आपको देखने को मिला। अब मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इस कॉइन में भी आपको एक स्पाइक दिखेगा, डेफिनेटली यहाँ पे इस कॉइन में एक स्पाइक दिखेगा, बिकॉज अगर हम बात करें दोस्तों तो BNB जो है वो अपने धीरे धीरे रैपिडली जो है वो बढ़ने की कोशिश कर रहा है और उसी के साथ साथ दोस्तों WRX टोकन भी जो है यहाँ पे बढ़ने की कोशिश करता है। वहीं पे बात करें तो इसका 6th बर्न यहाँ पे आपको इसी वाले अक्टूबर में देखने को मिल सकता है, और अगर हम बात करें तो अक्टूबर लास्ट तक आपको जो है वो इसका 6th बर्निंग जो है वो देखने को मिलेगा, जिसके कारण एक अच्छा स्पाइक इस वाले कॉइन में आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें तो इस कॉइन का जो रैंकिंग है वो यहाँ पे पूरे क्रिप्टो मार्केट में 150 रैंकिंग के अंदर ही ये कॉइन आ जाता है। वहीं पे बात करें दोस्तों तो इसने अपना ऑल टाइम हाई जो है वो लगभग यहाँ पर 431 रुपए का लगाया हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो 431 रुपए का कॉइन, इतना ज्यादा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन आपको दोस्तों अब 91 रुपए के प्राइस पॉइंट पर मिल रहा है, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। जो लोगों ने ऑलरेडी बाय करके रखा है कमेंट करके बताना कि हाँ सर जी हमने वजीरेक्स टोकन को ऑलरेडी बाय करके रखा, और जो लोग बाय नहीं किए हो डेफिनेटली जाके वजीरेक्स का अकाउंट बनाओ और जाके वजीरेक्स टोकन को बाय कर सकते हो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको पता है दोस्तों क्रिप्टो मार्केट कितना ज्यादा रिस्की है। बाय द वे मैं आपको वही कॉइंस यहां पे बता रहा हूं जो आपको फ्यूचर में एक अच्छा प्राइस दिखा सकता है, और आपको यहां पे पेशेंस रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, साथ ही साथ दोस्तों आपका अपना होल्डिंग भी बना के रखना है। दोस्तों कुछ इसी तरीके का अपडेट था आज के इस वीडियो में, मैटिक कॉइन को लेकर अपडेट मैंने दिया बिकॉज बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे। उसके साथ साथ दोस्तों मैंने आपको ये कॉइन भी बता दिया जो कि मैटिक के तरह आपको एक अच्छा खासा स्पाइक दिखा सकता है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आता है डेफिनेटली लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना, और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हो तो जरूर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं दोस्तों एक और नए शानदार वीडियो के साथ।